गाइस, न्यू ईयर और न्यू स्मार्टफोन। तो आज हम आपको वही पुराने घिसे पीटे जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उनके बारे में नहीं, एकदम न्यू लॉन्च्ड या फिर लॉन्च होने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप कोई नया फोन लेना चाहते हैं 20,000 के नीचे, जिसमें आपको हर एक स्पेक्स एकदम टॉप नॉच मिले, तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे टॉप 5 लिस्ट में 5th नंबर पे आता है रेडमी नोट 8 प्रो। तो आप सही सोचेंगे, भाई ये तो मतलब पुराना है, मतलब हम लोग सब जानते हैं। देखिए, यहाँ पर जो टॉप 5 लिस्ट है इसमें 5th और 4th नंबर का फोन है उसके साथ आप फैमिलियर हैं, मतलब आपको पता है ये कौन सा फोन हो सकता है। लेकिन उसके बाद जितने भी फोन्स होंगे आपको एकदम लेटेस्ट मॉडल का फोन मिलेगा और एकदम टॉप नॉच स्पेक्स के साथ। तो यहाँ पर Redmi Note 8 Pro के कुछ डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। तो यहाँ पर IPS LCD डिस्प्ले मिलने की वजह से आपको यहाँ पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। और इसके प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio G90T का प्रोसेसर मिलेगा, जो बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज के अंदर। और इसका रैम और स्टोरेज की बात करें तो यहां पर आपको 6GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। और इसका कैमरे की बात करें तो यहां पर आपको पीछे क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें प्राइमरी सेंसर आपको 64 मेगापिक्सल का सैमसंग GW1 का सेंसर मिलता है। और यहां सेकंड कैमरे की बात करें तो यहां पर आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, थर्ड में आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और फोर्थ में आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल जाएगा। और इसके फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहां पर आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिल जाता है, और वो भी वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। और इसका बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 4500 mAh का बैटरी, साथ में 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो इस फोन का प्राइस है 15,000 rupees। तो अगर आपको कोई ऐसा फोन चाहिए जिसमें आपको ओवरऑल स्पेक्स बहुत ही अच्छा मिले, अच्छा प्रोसेसर और अच्छा बैटरी चाहिए या कैमरा चाहिए, तो आपके लिए ये फोन बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि 15,000 के नीचे ऐसा फोन बहुत ही कम आपको मिलता है। और यहाँ पर हमारे लिस्ट में 4th में आता है Redmi K20। तो Redmi K20 में आपको मिलता है 6.3 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले, साथ में यहाँ पर आपको कोई नॉच नहीं, कोई पंचोल नहीं, मतलब आपको यहाँ पर फुल एच टू एच डिस्प्ले मिल जाएगा। और इसका प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 730 का प्रोसेसर मिलेगा। और इसका रैम और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको 6GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको कोई भी SD कार्ड स्लॉट नहीं मिलता है, सो आप मेमोरी को एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर इस फोन के कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें प्राइमरी सेंसर आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है और सेकंड कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का मिलता है, जो एक टेलीफोटो लेंस है, और थर्ड में आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस मिल जाता है। और इसका फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। तो इसी के वजह से आपको फुल एच टू एच डिस्प्ले मिल जाता है। और इसका बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 4000 mAh का बैटरी, साथ में 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। और इस फोन का प्राइस है 20,000 rupees। जी हाँ, 20,000 के नीचे ही आपको ये फोन मिल जाता है। और जितने भी फोन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, हर एक फोन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप चाहे तो डायरेक्टली फोन को चेक या बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे लिस्ट में नंबर 3 में आता है OPPO K5। तो OPPO K5 बहुत ही नया फोन है, मतलब अभी रिसेंटली चाइना में लॉन्च किया है। और ये जो फोन है आपको बहुत जल्दी जनवरी में देखने को मिल जाएगा इंडिया में। तो इस फोन में आपको बहुत ही अच्छा स्पेक्स मिलेगा, मतलब इस फोन के डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.4 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। साथ में इसका प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर मिलेगा, जो बहुत ही पावरफुल है, मतलब Redmi K20 का जो प्रोसेसर है उससे भी थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस आपको इस फोन में मिल जाएगा। और इस फोन के रैम और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको 6GB रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है, और बाकी बहुत सारे वेरिएंट है, आप अगर चाहे तो वो भी चूज कर सकते हैं। और इस फोन के कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको पीछे क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, जो मेन कैमरा है यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का मिल जाएगा, और सेकंड कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस मिलता है, और थर्ड में आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है, और फोर्थ में आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल जाता है। और इस फोन का फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलेगा वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। और लास्ट में इस फोन के बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 4000 mAh का बैटरी, साथ में 30W का VOOC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो इस फोन का जो प्राइसिंग है, मतलब ये फोन जब चाइना में लॉन्च किया था ये 18,000 के आसपास आपको देखने को मिल रहा था।
सो इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि शायद ये फोन आपको 20,000 के नीचे या फिर 20,000 के आसपास इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो अभी ये फिलहाल तो लॉन्च नहीं हुआ है, सो इसीलिए हम लोग एक अप्रॉक्स वैल्यू बैठा के आपको बता रहे हैं कि ये शायद आपको 20,000 के आसपास या 20,000 के नीचे मिल जाएगा। और हमारे लिस्ट में यहाँ पर सेकेंड नंबर पे आता है Redmi K34G। जी हाँ दोस्तों, Redmi K34G के बारे में शायद आपको पता होगा क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर, बहुत ही अच्छा डिस्प्ले और साथ में बहुत ही अच्छा कैमरा मिल जाता है। तो इस फोन के डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। जी हाँ, तो शायद आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा डिस्प्ले क्यों बोला, इसका कारण ये है यहाँ पर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा। जी हाँ, 120Hz का रिफ्रेश रेट शायद आपको इस प्राइस रेंज में, मतलब 20,000 के नीचे शायद ही कोई फोन में देखने को मिले। और इस फोन में IPS डिस्प्ले होने के कारण यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर साइड में देखने को मिलता है। और इस फोन के प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको Snapdragon 730G का प्रोसेसर मिलेगा, जैसे आपको Oppo K5 में मिला। और साथ में इस फोन के रैम और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको 6GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। और बाकी बहुत सारे भी वेरियंट है, जैसे 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज या फिर 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप चाहे तो वो भी चूज कर सकते हैं। और इस फोन का कैमरे की बात करें तो यहां पर आपको पीछे क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा। प्राइमरी सेंसर आपको 64MP का मिलता है, जो Sony IMX686 सेंसर के साथ देखने को मिलेगा। जी हां, यहां पर बाकी जितने भी पहले मैंने फोन बताया था सब में आपको Samsung का 64MP मिलता है, सिर्फ आपको Redmi K20 जो 48MP का था वो Sony का सेंसर के साथ आता है। और बाकी जितने भी फोन थे उनमें आपको Samsung का सेंसर देखने को मिलता था। तो अगर हम बेसिकली कंपेयर करें तो जहां तक हमें लगता है सोनी का जो नया सेंसर है, सोनी IMX686 का 64MP कैमरा, इसमें आपको थोड़ा सा बेटर क्वालिटी मिल जाएगा इन कंपेयर टू Samsung GW1 सेंसर। और इस फोन के सेकंड कैमरे की बात करें तो यहां पर आपको 8MP का वाइड एंगल लेंस मिलता है, थर्ड में आपको 2MP का डेप्थ सेंसर और फोर्थ में आपको 2MP का मैक्रो लेंस मिल जाता है। और इस फोन के फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको डुअल फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलता है। इसका मतलब यहाँ पर आपको 20MP का प्राइमरी सेंसर और 2MP का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको डुअल पंच होल सिस्टम के साथ डुअल कैमरा मिलता है, तो यहाँ पर लाजवाब आपको सेल्फी मिल जाएगा इस फोन के साथ। और इस फोन के बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 4500mAh का बैटरी, साथ में 30W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। तो इस फोन के ओवरऑल स्पेक्स को अगर हम देखें तो इस फोन का जो डाउनसाइड है वो है इसमें आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, लेकिन फिर भी ठीक है क्योंकि यहाँ पर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है जो हर एक फोन में आपको नहीं मिलेगा। और इस फोन के प्राइसिंग की बात करें तो जब हम ये वीडियो बना रहे हैं अभी तो ये फोन लॉन्च नहीं किया है इंडिया में, लेकिन ये चाइना में लॉन्च हो चुका है। जो बेस वेरियंट है 6GB और 64GB वाला, ये आपको चाइना में 16,000 rupees के आसपास मिल जाता है। तो इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि इस फोन का प्राइस 20,000 के नीचे ही इंडिया में आपको मिलेगा, मतलब मे भी आपको 17,000 से 18,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। और अब हम बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 1 की तरफ। तो हमारे लिस्ट में नंबर 1 में आता है Realme X2। तो आप शायद सोचेंगे कि मैं Redmi K34G को सेकंड में क्यों रखा और Realme X2 को फर्स्ट में क्यों रखा। इसका कारण यह है कि Realme X2 अभी आपको इंडिया में मिल रहा है और इसका सेल भी स्टार्ट हो चुका है, और Redmi K30 का प्राइस हमें अभी कंफर्म नहीं पता है, इसीलिए हमने इसको सेकंड में रखा है। और यहाँ पर Realme X2 के डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, साथ में यहाँ पर आपको Snapdragon 730G का प्रोसेसर मिलेगा। और इसका रैम और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको 6GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है, और साथ में बहुत सारे ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे, आप जो चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं। और इस फोन के कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा पीछे मिल जाएगा और प्राइमरी सेंसर आपको 64MP के साथ मिलता है, जिसमें आपको Samsung GW1 सेंसर मिल जाएगा। और इसके सेकंड कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको 8MP का वाइड एंगल लेंस, थर्ड में आपको 2MP का डेप्थ सेंसर और फोर्थ में आपको 2MP का मैक्रो लेंस मिल जाता है। और इसके फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको 32MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिल जाएगा वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। और इस फोन के बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 4000mAh का बैटरी, साथ में 30W का VOOC 4.0 फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा।
तो ये जो फोन है इसका जो बेस वेरिएंट है 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज, इसका प्राइस आपको 17,000 रुपीज में इंडिया में देखने को मिल जाता है। तो हर एक फोन का लिंक तो आपको नीचे मिल जाएगा, और यहाँ पर जो फोन लॉन्च नहीं हुए हैं उनका लिंक तो आपको नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। तो ये था हमारे टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 का लिस्ट। लेकिन अगर मैं आपको मेरा ओपिनियन दूं कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, तो आप बेशक कुछ दिन और वेट कीजिए और Redmi के 34G को इंडिया में लॉन्च होने दीजिए, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि इस फोन का प्राइस कितना होने वाला है। तो इस हिसाब से अगर आपको 20,000 के नीचे Redmi के 34G मिल जाता है तो आप उसी फोन के साथ जाइए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपको दूसरे फोन में नहीं मिलते हैं। जैसे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, पावरफुल प्रोसेसर, अच्छा कैमरा मिलता है। सो मुझे ऐसा ही लगता है कि आपको Redmi के 34G के साथ ही जाना चाहिए। और अगर आपको इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा मिलता है तो आप Realme X2 के साथ जा सकते हैं बेशक, ये भी बहुत ही अच्छा फोन है आपके लिए। तो ये था हमारा अपना ओपिनियन, और बाकी आपको कौन सा फोन सबसे अच्छा लगा आप नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।